मिम असल मैं 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 मूँ सैबिक आजमी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाजीन पाकिस्तानी सोल्जर बलोचिस्तान के अभी इलाके में जो शहीद हुए उस पर हिंदुस्तान को ब्लेम करें या ईरान को आज के प्रोग्राम का ये टॉपिक है और ये बड़ा अहम टॉपिक है इसमें बलोचिस्तान पाकिस्तान आपको पता है जिसमें अल्लाह ने हमें मादनियात और ख़ायर दिए हुए वसी खर दिए हुए मिनरल रिसोर्स दिए हुए लेकिन वहीं पर यह हमले पिछले हफ्ते में और आपने देखा होगा बहुत इनमें तेज़ी आई है पाकिस्तान में आपको पता है हम बीएलए जो बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी उसे इसका जो जिम्मेदार ठहराते हैं वो खुद भी जिम्मेदारी इसकी ले रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान को भी हम ब्लेम करते हैं कि लोग इसके पीछे हैं या क्या वो वाकई ईरान इसके पीछे है और ये चाइना को क्यों बीच में ले ला रहे हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखें 2019 में पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इस बीएलए को अमेरिका को और यूरोप को कन्विंस किया कि इसे आप दहशतगर्द जमात करार दें इससे पहले वो मानते ही नहीं थे बी एल एक ग्रुप आपको पता है बलूचिस्तान के जो साउथ वेस्टर्न एरिया है जुनूब मगरबी एशिया के वहाँ पर है जुमा खान नामी एक शख्स ने उन्नीस में दमिश्क में बनाया और इसने फिर उन्नीस से उन्नीस तक सिस्तान में और बलूचिस्तान का जो ईरान वाली साइड है वहाँ पर पहले सरजेंसी की बड़ी लड़ाई की फिर तिहत्तर से सतर तक ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान वाले एर यहाँ पर करता रहा लेकिन दोनों तरफ इन्हें फेंटा ठीक ठाक पड़ा और पाकिस्तान और ईरान ने इन दोनों इसको ख़त्म कर दिया फिर 2004 तक ये ग्रुप बिल्कुल बी एल ए फारक तक नाम ही नहीं था इसका 2004 में दोबारा उठे एकदम उन्होंने फिर हमले शुरू किए फिर अल्लाह नजर बलोच नामी जो शख्स है इसने 2006 से इसकी कमांड संभाली और इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशर्स पर आर्मी पर मिलिट्री जितने भी वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर हमले शुरू कर दिए अभी देखें जो कैच डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा अभी हमला हुआ है जिस चेक पोस्ट पर और जिसमें दस हमारे जवान शहीद हुए हैं और उसमें शाते को ज़्यादा हैं थोड़ी और ज़ख्मी भी बहुत हैं ये पाकिस्तान के मगरबी आपको पता जो बॉर्डर का हिस्सा ईरान के साथ ग्वादर की जो शमाल में जो पोर्ट है उस तरफ हुआ है अब अच्छा कल फिर एक हमला इसी तरह का ही हुआ है जिसमें चार जो सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए हैं और कुछ उसमें ज़ख्मी भी हुए ये एक वो लैंड माइन थी एल जो लगाई होती है इन्होंने इसके ऊपर वो गाड़ी उनकी चली गई तो उसमें ये फिर इसने बी एल ए वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और याद रखें ये बी एल ए वही है जिन्होंने अभी लाहौर में जो आपको पता है हुआ उसकी भी जिम्मेदारी ली है और इन्होंने कहा था कि हमने किया अब ये दहशत गर्द ग्रुप बहुत से हमलों की ज़िम्मेदारियाँ ले चुका है लेकिन इनका अक्सर मकसद क्या है कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट्स हैं बलोचिस्तान में उन्हें किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए जो कि दो हज़ार चौदह में पाकिस्तान ने आपको पता है साइन किए थे और उस पर चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर यहाँ पर लगाने के लिए पूरे इस रोड वाले मंसूबे पर बड़ा पैसा लगा चुका है और मकसद चीन का आपको पता है वही है कि किसी तरह जो उनका पुराना सिल्क रोड था रेशम शाहरा रेशम थी उसे जोड़ा जाए और जिस तरह वो माजी में आपको पता है मिडल ईस्ट के साथ अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ जुड़े थे ये चाह रहे हैं जो नया है इसे भी हम इसी तरह कनेक्ट करें इसी तरह हम रोड्स बनाएं रेलवे बनाएं हवाई अड्डे बनाएं और चाहे हमें ऑप्टिक जो फाइबर है मतलब इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू या चाहे समुद्री जो हमारी पोर्ट्स हैं वो बने चाइना ने इसमें जो पाकिस्तान में है, हैवी इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है कि उन्हें यहाँ पर पोटेंशियल नज़र आ रहा था ग्वादर पोर्ट जो है अरेबियन सी पे इसमें प्रोजेक्ट्स आपको पता है रेल के भी प्रोजेक्ट्स हैं रोड के प्रोजेक्ट्स हैं पावर प्लांट लगे हुए हैं एनर्जी के मनसूबे हैं बड़ा कुछ है साठ अरब का बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर मनसूबा है और यही इनको खटकता है बस बलोचिस्तान के बॉर्डर पर ईरान और अफगानिस्तान आपको पता है इनके जो दो सूबे हैं अब बलोचिस्तान की आबादी अगर आप देखें तो बारह मिलियन सिर्फ अब इस एरिए में मिनरल्स जो है मादनियात का मैं आपको थोड़ा बताऊं आपकी अक्ल दंग रह पचास खरब डॉलर के मादनियात यहां पड़े हुए हैं दुनिया की सबसे महंगी इतनी दात पोलिडियम एम ओ से कहते हैं वो भी बलोचिस्तान से डिस्कर हुई है चाही जो जगह है हमारी उसे कॉपर सिटी कहते हैं कॉपर है शहर है।, है उसका पूरा अल्लाह ने इसको इतने नैचुर सोर्सेज दिए हुए लेकिन देखें दूसरी तरफ गुर्बत भी उतनी कोशिश की कि बाहर से आए लोग इन्वेस्ट करें यहाँ पर और ये मनसूबे बने जिस तरह चीन ने भी सी पैक वाला किया है तो ये नेचुरल रिसोर्स जो मादिनियात पड़े हुए हैं ये भरा हुआ है अब यहाँ पर उतनी बेचारों के हालात तबाह हैं अब रेकॉड एक गोल्ड की जो माइन है आपको पता है जिस पे भी मनसूबा छः अरब पाकिस्तान ने सेट किया है अनडेवलप्ड कॉपर माइनस पड़ी हुई हैं मतलब अभी उनकी कुछ किया ही नहीं काम पाँच सौ अरब डॉलर की वो है सुई में जो साउदर्न नेचुरल गैस के जो जखीरे हैं उनकी आप तहा ही नहीं टूरिज़म की यहाँ पर बलोचिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ आप देखें खुद जन्नत की तरह ये जगह है यकीन करें पहाड़ों के वो सिलसिले हैं गोरे देखे मैंने दिखाए परेशान हो गए अभी तक परेशान यार किस तरह की जगह अल्लाह ने तुम्हें दी हुई है यहाँ से कितना पैसा जनरेट हो सकता है आपके हिंगू मड वो जो वेल्कैनोज बने हुए हैं हजार गंजी में आप चित्राल नेशनल पार्क अपना देख लें हाना झील देख लें अपनी वाटरफॉल देख लें आप शारें देख लें लेकिन वर्ल्ड बैंक दूसरी तरफ क्या कहता है कि यहाँ इनकी जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान के सारे सूबों से कम है अब बलोचिस्तान की जो ग्रोथ पीछे रह रही है पाक, पूरे पाकिस्तान से इनकी जो पर कैपिटा इनकम का लेवल है वो सबसे पीछे क्यों है बलोचिस्तान में ये सो सोशल जो इंडिकेटर्स हैं क्यों इतने पोअर हैं क्यों दस चीज़ें इसकी कमज़ोर है आप देखें पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं सेहत में पीछे हैं साफ़ पानी के निज़ाम में पीछे हैं यहाँ से हालाँकि छः अरब जो है रुपया पाकिस्तान को मिलता है ख़ुद ही जनरेट करते हैं लेकिन जिस तरह दुनिया के देखें दूसरे ममालिक हैं बड़े बड़े वहाँ पे जब आपके पास कुछ निकलें माधनी आप आपके लिए वो अज़ाब बन जाता है सेंट्रल अफ्रीका के मुल्क देख लें आप सारे वहाँ पे डायमंड हीरे निकलते हैं सोना निकलता है वहाँ वो क्या रहा है सिविल वॉर ताकतवर मुल्कों ने वहाँ पे अपने पंजे डाल दिए मजहबी नाम पर सियासी नाम पर गुरबत के नाम पर जाल बिछा दिए वनजवेला दुनिया में नंबर वन है ऑयल में अपना ऑयल बेचारे खुद बाहर से खरीद रहे हैं गुरबत में धंसे हुए ईरान को आप देख लें नंबर टू है दुनिया में गैस के सबसे ज़्यादा रिजर्व में लेकिन क्या इकानमी स्ट्रगल कर रही है बुरे हालात अब ये बलोचिस्तान में क्यों इतने ज़्यादा बागी ग्रुप दहशत गर्द ग्रुप बने और क्यों पाकिस्तान की फौज के साथ ये लड़ रहे हैं क्यों ये चाहते हैं कि हम इनसे अलहदा हो कि पाकिस्तान को एक अलहदा मुल्क बनाएं यहाँ पर हमेशा से देखें सरदारों ने हुकूमत की बड़े बड़े सरदार थे अमीर थे ताकतवर थे पैसा उनके पास इतना गाड़ियाँ उनके पास देखें बहुत पैसा था अब इन सरदारों के बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं खुद ही सेल्फ एक्साइल ली हुई है वहाँ से ये अपने ग्रुप बनाकर ऑपरेट कर रहे हैं और टेंशन क्रिएट कर रहे हैं मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं अब देखिए पाकिस्तान ने तो हिंदुस्तान को कहा कि ये हिंदुस्तान की फ़ंड करता है वेपन भी देता है और सारी इंसर्जेंसी जो हो रही है ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान करवा रहा है इनके जो बाहर बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें भी बलोच ट्राइबल लीडर उन्हें भी बाहर में जो हिंदुस्तान मदद करता है वहाँ जो बाहर प्रोटेस्ट होते हैं अकवा मुतहदा के बाहर या मगरब जो इकट्ठे करते हैं उनमें देख लें ज्यादातर हिंदुस्तानी लोग होते हैं बहुत सारी सी वीडियोज़ बेनकाब हो चुकी हैं पाकिस्तान तो उसका जवाब क्या देता है हिंदुस्तान को उनके वहाँ जो चल रही हैं लदगी पसंद मूवमेंट्स जैसे खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है सिख सेपरेशन मूवमेंट चल रही है उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है अब दोनों ममालिक ने आप एक दूसरे के खिलाफ शहादें भी दी हुई हैं कि दुनिया के ये जी आप यहाँ करें आप मेरे यहाँ करें डोजियर्स भी दिए हैं कॉन्फ्रेंस भी करते हैं अब पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान की जो एजेंसी रॉ है वो इसके पीछे इन्वॉ है बलूचिस्तान में वो करते हैं सब कुछ हिंदुस्तान कहता है जी कि आपकी एजेंसी आई एस आई जो है वो हमारे यहाँ करवा रही है लेकिन मामला किसी तरफ जा नहीं रहे और नुकसान किसका हो रहा है बलोच आवाम का नुकसान हो रहा है बलोच बच्चों में बलोच लोगों में यकीन करें यह गुस्सा पाया जाता है कि यार हमारे पास इतने रिसोर्सेज देखें आपको पता चले कि आप इस वक्त पचास खरब डॉलर की ज़मीन पर बैठे हुए हैं और आपके पास पीने को पानी ना हो तो आपको गुस्सा तो आएगा आप फिर नहीं सोचेंगे कि जिम्मेदार इससे पहले वाला सरदार था या इससे पहले वाला कोई कबीले का बड़ा था या किसकी हालत की वजह से आ नौबत पहुँची है आप कहेंगे जो इस वक्त बैठा हुआ है इसका कसूर है ये जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है इसका कसूर है हालांकि ये बंदूक वाला हो सकता है उसी मादनियात की हिफाजत के लिए मौजूद हो बंदूक वाला इसीलिए अगर बाहर से लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया है, उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है चाइना वहाँ पर काम करा है उनकी हिफाजत करना पाकिस्तान का फर्ज है तो इसीलिए पाकिस्तान को वहाँ मिलिट्री भेजनी पड़ती है लेकिन अगर वहाँ के लोगों को ये लगेगा नौजवानों को लगेगा कि ये लोग हमारी हिफाजत नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा उसी जज्बे से वो फिर मामलात ख़राब होंगे और फिर वो जाके बागियों से मिलेंगे और दहशत गर्दों से मिलेंगे और मामला बिगड़ते जाएंगे तो यहाँ पर हुकूमत का बड़ा गहरा का सरफराज भुक्ति जो है देखें उनकी बड़ी एक ट्वीट भी अभी आई कि उनका कज़न फ़ोत हुआ है कल तो उन्होंने ट्वीट भी की भुती साहब से मेरे बड़े अच्छे तल्लुआत में कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ लेकिन फिर ये कर प्रोग्राम में उन्होंने देखिए बातें करनी है बड़ी खुली डुली वो बहुत सारी बातें हमें फिर शायद हज़म भी ना हो तो हमें कोशिश ये करनी है कि किसी तरीके से वहाँ अल्लाह करे अमन आए और जो भी बाहर की पार्टी आ रही हो जान छोड़ने वो भी ये पचास खरब निकल आया तो अगर आप, आपका हमसाया अमीर हो तो आपके घर की कीमत भी बढ़ जाती है ये चीज़ हिंदुस्तान को सोचनी चाहिए बाकी ममालिक को सोचनी चाहिए जो यहाँ इंसर्जेंसी रहे हैं। अपना खास ख्याल रखें इस पर मजीद आप दे देंगे इन शाला और मुझे अगली वीडियो तक के लिए जाए अला हाफ़